तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एक व्रिस्ट गन बनाई है जिसको आप हिंदी में कलाई गन भी बोल सकते हो। तो क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमें कलाई में पहन कर चलाना होता है, तो ये काफ़ी अलग टाइप की गन है। लेकिन फ्रेंड्स इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो हो सकता है ये आपको देखने में खिलौने जैसा लगे, लेकिन फ्रेंड्स जब आप इसको चलाओगे तो काफ़ी लाउड साउंड के साथ चलती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चले फ्रेंड्स, अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं हमारा कूल एक्सपेरिमेंट। तो चले फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रिंटर की जो कार्टेज वाली जो पाइप होती है उसे हम ले लेंगे। तो इसके दोनों तरफ की जो प्लास्टिक लगी है उसे हमें हटा देना है। तो इसे हमने यहाँ पे गर्म करके दोनों प्लास्टिक को हटा दिया। तो फ्रेंड्स ये पाइप आपको किसी भी प्रिंटर रिपेयरिंग शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। तो अभी सबसे पहले फ्रेंड्स इसके ऊपर की जो पेंट लगी है उसको हम पेट्रोल की मदद से छुड़ा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उसे पूरी तरीके से साफ़ कर दिया। तो अभी फ्रेंड्स इसे हम ग्राइंडर की मदद से कुछ इस तरीके से थोड़ा पीछे से हमें यहाँ से काट देना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, तो उसे मैंने थोड़ा फिनिश कर दिया है। तो अभी फ्रेंड्स हम इस तरीके का एक चार्ट पेपर ले लेंगे और उसे हम पाइप के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके उसी के आकार की आकृति हमें इसे बना लेना है। और उसके बाद हम इसे फेविकोल से चिपका के ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस यहाँ पर फेविक्विक लगा दे रहे हैं, ताकि इसका जो टाइटनेस है वो बना रहे पाइप पे। तो भी फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके दिखेगा। तो भी फ्रेंड्स इसके ऊपर हम ब्लैक टेप जो होता है तार वाला, उसकी मदद से हम इसे पूरा अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और अभी फ्रेंड्स ये हमारा कुछ इस तरीके से गन के आगे पीछे सरकना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक लकड़ी के टुकड़े पर मैं गोल सा निशान लगा के उसी पाइप की मदद से हमें इसे काट लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इस टुकड़े को चौकोर में काट करके आप इसे घिस के गोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके बीचों बीच हमें कुछ इस तरीके से होल कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक नाइक्रोम वायर ले लेनी है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे हमें कुछ इस तरीके से मोड़ करके इसके दोनों तरफ हमें जो घरेलू वायरिंग वाली जो वायर होती है उसे हमें इस प्रकार से लगा देना है। और फ्रेंड ध्यान देना है ये दोनों वायर आपस में सटनी नहीं चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स इसके चारों तरफ हम एमसील लगा के इसे अच्छे से मजबूत कर देंगे, ताकि ये निकलेगा नहीं बाद में। तो अभी फ्रेंड्स इसे हम लगभग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एमसील है वो अच्छे से मजबूत हो चुका है। तो अभी हम इसे साइड रख देते हैं। तो अभी फ्रेंड्स इसके ऊपर आप देख सकते हो हमें इससे थोड़ा सा ग्राइंडर से छील दिया है, ताकि ये जो है इस लकड़ी के अंदर इस तरीके से चला जाए। तो अभी फ्रेंड्स इसको हम फेविक्विक से अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे चिपका दिया है। तो अभी हम इसे पाइप के पीछे वाले हिस्से में इस तरीके से डाल के यहाँ भी हमें इसे इस तरीके से चिपका देना है। तो भी फ्रेंड्स हमें इसे पाइप में यहाँ पे फिक्स करना है। तो भी फ्रेंड्स मैं आपको इसे एक बार बैटरी चला के दिखा दे रहा हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसमें एक माचिस लगा दिया था। तो अभी जैसे ही मैंने इसे बैटरी सटाया तो माचिस हमारा जल गया। तो ये कुछ इस तरीके से हीट होकर वर्क करता है। तो अभी फ्रेंड्स इसके पीछे हमें जो ग्लूगन होती है उसे ग्लूगन वाली जो ग्लू होती है उससे हमें पीछे पूरी अच्छी तरीके से भर देना है, ताकि जो इसका प्रेशर है वो पीछे के साइड पे ज़्यादा लगेगा। तो इसे हमें पीछे से बिल्कुल मजबूत बना देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो उसे हमने ऐसे बना लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक देख सकते हो हमने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा कुछ इस डिज़ाइन में कट किया है। तो अभी फ्रेंड्स इसे हम पाइप के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर लगा देंगे, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अभी फ्रेंड्स इसके नीचे हम छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा कट करके उसे हम पेचकस की मदद से इस तरीके से कस देंगे, तो ये इसका स्टैंड का काम करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया है। तो अभी हम इसके ऊपर जो मार्कर होता है उसकी मदद से हम इसे ब्लैक पेंट कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसे ग्लूगन से चिपकाया था, लेकिन फ्रेंड्स वो उछड़ गया क्योंकि ग्लूगन उतना मजबूत नहीं होता। तो अभी मैं इसे पहले सपोर्ट के लिए थोड़ा सा फेविक्विक से यहाँ पे इसे चिपका दे रहा हूँ, ताकि इसका सपोर्ट बना रहे। और फ्रेंड्स उसके मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके दोनों तरफ हम इसे सीमेंट डाल के अच्छे से सीमेंट इसके अंदर भर देंगे, और उसके बाद हम सीमेंट के ऊपर फेविक्विक डाल देते हैं, ताकि सीमेंट वहाँ पर जम जाता है और अच्छे से मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंट हमने अच्छे से भर दिया, उसके ऊपर हम यहाँ पे फेविक्विक डाल देंगे। और ठीक ऐसे हमें इसके दूसरे साइड भी कर देना है। तो यहाँ भी मैं सीमेंट भर दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फेविक्विक डाल दे रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सॉलिड होकर चिपक जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो उसे फिनिश कर देने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसे मैंने अच्छे से काफ़ी साफ़ कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अभी फ्रेंड्स मैं इस पर एक्रेलिक कलर से कलर कर दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एक्रेलिक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये इसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से कलर कर दिया है, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स चार्ट पेपर की सहायता से हमने इस पाइप के ऊपर मोड़ करके कुछ इस तरीके से गोल सा बना लिया है, और इसे हम पाइप के आगे यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, ताकि ये एक गन जैसा लुक लगे।
और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो लैपटॉप वाली जो बैटरी होती है उस पर हमने चार्ट पेपर लगा के कुछ इस तरीके से उसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश किया है। और फ्रेंड्स ये बैटरी आपको लैपटॉप रिपेयर की दुकान पे मिल जाएगी, तो इसका एम्पियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप अगर कोई दूसरी बैटरी यूज़ करोगे तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, केवल यही बैटरी वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने पीछे वाली जो वायर निकाली थी उसे हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है और यहाँ हमने दो वायर एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि ये जो बैटरी है उससे हमें प्लस माइनस में कनेक्ट करना है, यानी कि दोनों प्लस एक तरफ नहीं रहेगा, एक एक प्लस में और एक माइनस में, इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी जो घरेलू वायरिंग वाली जो पाइप होती है उसे हमने कुछ इस प्रकार से कट कर लिया है, और उसे हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जगह बना देते हैं। तो अभी फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं चार्ट पेपर चिपका दूंगा तो इसका लुक थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसके ऊपर चार्ट पेपर चिपका दिया है, तो भी ये कुछ इसका लुक इस तरीके से लगेगा। तो फ्रेंड्स इससे हमें गन के ऊपर कुछ इस तरीके से फिट कर देना है, तो ये बड़े आसानी से फिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं जो छोटा वाला जो स्केच पेन होता है उसे मैंने ले लिया और थोड़ा सा मैंने कट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसे सोल्डर आयरन पीछे थोड़ा सा लगा करके इसे मैं थोड़ा राउंड शेप में कर दे रहा हूँ ताकि ये उस जगह पर आसानी से फिट हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे इसे फिट कर दे रहा हूँ और इसे मैं फेविक्विक से चिपका दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से चिपक जाएगा। और इसके ऊपर फ्रेंड्स हमको थोड़ा हीट करके इस तरीके से कर देना है, और इसके ऊपर हम लेज़र लाइट लगाने के लिए थोड़ा इससे ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि वहाँ पे लेज़र लाइट के आकार के लिए थोड़ा जगह बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेज़र लाइट के आकार में थोड़ी जगह बन गई है, और इसके ऊपर अब हम फेविक्विक लगा करके आसानी से इस लेज़र लाइट को इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। तो ये लेज़र लाइट जो है वो उसके ऊपर चिपक जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो घरेलू वायरिंग वाली जो पाइप होती है उस पाइप को हमने ले लिया, छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया, और इसके ऊपर हम यहाँ पे MDF इस तरीके से लगा के इससे जो स्केच पेन होती है उसकी मदद से मैंने कलर कर दिया है। और इसे मैं इसके आगे जो वायर हमने छोड़ा था तो इसे मैंने स्विच लगाने के लिए छोड़ा है, तो इसे हमें इस तरीके से पहना देना है इसके अंदर। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स हाई एम्पियर वाले जो स्विच होती है आपको ध्यान देना है, अगर आप लो एम्पियर की स्विच लगाओगे तो वो गल जाएगी। तो इसे हमें कुछ इस तरीके से लगा के उस तार में हम यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर देंगे, तो इस जगह पर हमें इसे सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे सोल्डिंग कर दिया, और बीच में हमने MDF का टुकड़ा लगा दिया ताकि दोनों जो वायर हैं वो आपस में ना सटे। तो अभी इसके ऊपर हम पाइप के ऊपर हमें इसे इस तरीके से चिपका लेना है, और इसके बाद मैं इसे ब्लैक मार्कर से कलर कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स जो हमने लेज़र लाइट तैयार किया था उसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि इस लेज़र लाइट को आप अपने मर्जी अनुसार निकाल सकते हो और जब चाहे तब लगा सकते हो। तो इसे हमने कुछ इस तरीके से बनाया ताकि आप इसे जब चाहे तब निकाल सको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्डबोर्ड होती है उसकी मदद से हमने कुछ इस तरीके से कटिंग करके यहाँ पे ऊपर चुटपुटी वाला बटन लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ लंबे में कटिंग कर दी है ताकि ये गोल आकार में मुड़ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोल आकार में इस तरीके से मुड़ जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसे हमने अपने कलाई के अनुसार नाप लेके बनाया था, आप अपने कलाई के अनुसार नाप लेके बना सकते हो जो भी आपके कलाई में फिट बैठे। तो भी फ्रेंड्स उस बटन को लगा देने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे कलाई में फिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर से कलर कर दूंगा ताकि ये देखने में थोड़ा लुक इसका अच्छा लगे। तो अभी ये कुछ इस तरीके दिखेगा। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर हम फेविक्विक लगा के इस गन को इसके ऊपर हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस गन को हमें कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, और इसके फ्रेंड दोनों तरफ हमें फेविक्विक लगा के इसे अच्छे से मजबूत कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने गन के दोनों तरफ यहाँ पे फेविक्विक लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है जो दोनों बैटरी है उसे हमें सीरीज में कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारा कनेक्शन जो सीरीज में रहेगा। और फ्रेंड्स इसको हमें कुछ इस तरीके से कलाई में पहनना है, और जो आगे की हमें स्विच है ये हमें कुछ इस तरीके से हाथ में पकड़नी है, और इसे जब भी हम दबाएंगे तो ये हमारा जो है गन है वो वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स इसे हमें कुछ इस तरीके से पकड़ना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है। तो अभी चले फ्रेंड्स हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से आगे घिसका देना है, और इसके अंदर हम यहाँ पे बीड़ी बम डाल देते हैं। तो जब भी हम इसका पुश स्विच ऑन करेंगे तो ये बैटरी इस कनेक्टेड है तो इसकी नाइक्रोमवायर हीट हो जाएगी और इसके अंदर के जो बम है उसमें आग लग जाएगा तो ये चलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इसे ट्रायल के लिए चला के दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी आगे आप देखिए, अभी वीडियो बाकी है, तो अभी हम यहाँ पे एक टारगेट पे निशाना लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बम वापस इसमें लगा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने एक कागज़ के ऊपर धागा लपेट के, अखबार के ऊपर धागा लपेट के इस तरीके एक छोटा सा बॉल बना लिया है। तो अभी चले फ्रेंड्स इसे हम उस बोतल पर ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम इसे चला के देखते हैं कि किस कैसा लगता है देखने में। तो चलिए इसे चलाते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से चलता है। तो चलिए अभी हम इसे एक बार और ट्राई करते हैं और देखते हैं अब कि ये कैसा लगता है देखने में। तो अभी मैंने इसे इसमें लगा दिया है, तो चलिए अभी इसे फिर से एक बार चला के देखते हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इसकी बोतल है वो फटी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे जानबूझ के कमज़ोर बनाया ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।